बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े दुमका ट्रेजरी केस में सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुना दिया। सीबीआई कोर्ट के जज शिवपाल सिंह ने लालू प्रसाद यादव को अब तक की सबसे बड़ी सजा दी है। उन्हें 14 साल की कैद और 60 लाख रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चौथी बार कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत मैसूर के चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में पूजा करके की। इसके बाद राहुल महारानी वुमन आर्ट्स कॉलेज पहुंचे और छात्राओं से बातचीत की। टीडीपी के एनडीए छोड़ने के एक हफ्ते बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखा है, जिसमें शाह ने टीडीपी के एनडीए छोड़ने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और एक तरफा बताया है। वहीं फैसले पर एक बार फिर से विचार करने की गुजारिश की है। त्रिपुरा में सरकार बदलते ही अब बहुत कुछ बदलता जा रहा है। त्रिपुरा विधानसभा में शुक्रवार को पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। दरअसल शुक्रवार को विधानसभा का पहले सेशन में विधानसभा स्पीकर का चुनाव होना था, जिसमें रैप्ती मोहनदास को नया स्पीकर चुना गया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले 11 बजे विधानसभा में राष्ट्रगान चलाया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आर्मी ने ऑपरेशन चलाकर एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार शाम को आर्मी को अनंतनाग के दुरू इलाके में हिजबुल के 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद आर्मी ने घेराबंदी कर ऑपरेशन चलाया और दोनों को मार गिराया। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पटियाला कोर्ट पहुंचे। इससे पहले आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को जमानत दे दी है। 4 दिवसीय दौरे पर भारत आए जर्मन के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर ने आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इससे पहले वॉल्टर को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यसभा चुनाव में सपा से गठबंधन के बावजूद मिली हार के बाद बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने शनिवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बसपा अब अपनी नई रणनीति पर काम करेगी। बीजेपी की अराजकता के कारण उन्हें हार मिली। उन्होंने कहा कि इस चुनाव की रणनीति सपा ने बनाई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने इसी साल शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया है। उनकी शादी के कयास कई बार पहले भी लगाए गए, लेकिन इस बार सभी अफवाहों पर फुल स्टॉप लगता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम और आनंद इस साल जून में शादी के बंधन में बंध सकते हैं।